बात करते हैं जबलपुर की, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में 4 दिन पहले दवा छिड़काव को लेकर नगर निगम मलेरिया उन्मूलन के कर्मचारियों के साथ जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट कर दी थी। शिकायत पर गढ़ा थाना पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक मेडिकल छात्रों को हिरासत में लिया था। यह जानकारी जैसे ही छात्रावास में रहने वाले जूनियर डॉक्टरों को लगी तो उन्होंने गढ़ा थाने का घेराव कर दिया। गढ़ा थाने का घेराव कर रहे जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि मेडिकल छात्रावास से जिन छात्रों को गढ़ा थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है उनके खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं है। इसके बावजूद भी उन्हें छात्रावास से पकड़कर थाने लाया गया है। प्रदर्शन कर रहे जूडा का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के डीन वार्डन को जानकारी दिए बिना ही जूनियर डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि सही नहीं है। जूनियर डॉक्टरों की गिरफ्तारी के विरोध में गढ़ा थाने का घेराव कर मेडिकल छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर बिना किसी सबूत के पुलिस कार्यवाही करती है तो वह पुलिस के लिए ठीक नहीं होगा। जूडा डॉक्टर सुभान शर्मा ने आरोप लगाया कि बिना किसी सबूत के हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने जिन जूनियर डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, हम उसका विरोध करते हैं। पुलिस अगर हिम्मत है तो लाठीचार्ज कर दे। गढ़ा थाने का घेराव कर रहे जूडा को पुलिस लगातार समझाती रही कि पुलिस की कार्यवाही में दखल ना दे, पर जूडा थे कि मानने को तैयार नहीं थे। सीएसपी तुषार सिंह ने बताया कि संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए 6 जूनियर डॉक्टरों को थाने में लाया गया था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जूनियर डॉक्टरों का भी पक्ष लिया जा रहा है, जिसके बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 16 जुलाई को दोपहर उन्मूलन टीम के कर्मचारी मेडिकल कॉलेज के कैंपस पर दवा छिड़काव कर रहे, तभी जूनियर डॉक्टरों से दवा छिड़काव को लेकर कर्मचारियों का विवाद हो गया था। विवाद में नगर निगम के 5 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई थी, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। वहीं घायल कर्मचारियों की शिकायत पर गढ़ा थाना पुलिस ने 6 मेडिकल छात्रों को दोषी पाते हुए पूछताछ के लिए देर रात छात्रावास से पकड़कर थाने लाई है, जिसका जूनियर डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। नहीं दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, पूरा सशस्त्र बल लेके हमको रोड पे रोक दिया गया है। हम यहाँ पे मेडिकल छात्र कोई भी, कोई दंगाई नहीं है, कोई प्रदर्शनकारी नहीं है, सब जूनियर डॉक्टर्स हैं मेडिकल के जो यहाँ पे खड़े हैं अपनी सिर्फ एक मांग लेके कि बिना किसी आरोप सिद्ध हुए हमारे जूनियर डॉक्टर को जेल के अंदर क्यों बंद किया गया है। मैं मेडिकल छात्रों द्वारा ये आपत्ति ली गई कि इनको देर रात बुला के पूछताछ ना की जाए, और इसके विरोध में वो लोग यहाँ पे आके उन्होंने अपना प्रदर्शन किया कि इनको अभी छोड़ा जाए।